समानुपात, ठीक है। अनुपात समानुपात अंकगणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आप देखेंगे कि आप बहुत सारी प्रश्नावलियों में अनुपात समानुपात का जिक्र होता है। जैसे कई बार प्रश्न होता है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 3:5 है, तो वहां भी हमें अनुपात की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी प्रश्नावली है जैसे आयु है, उसमें अनुपातों का जिक्र होता है, मिश्रण में अनुपातों का जिक्र होता है। तो अनुपात समानुपात जो है ये गणित की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों में से एक है। या यदि ये कहें कि अनुपात समानुपात और प्रतिशत, ये दो ऐसी प्रश्नावलियां हैं जो अंकगणित में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अनुपात समानुपात। क्वेश्चन नंबर एक है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। बहुत आसान सा सवाल है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद भी हो। मैं बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाऊंगा और बढ़िया लेवल तक पढ़ाऊंगा। आपको रेगुलर रोजाना वीडियो मिलेगी और कोई भी चैप्टर जो हम शुरू करेंगे उसे अंत तक लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2-4 कंसेप्ट बता दिए और काम खत्म हो गया, नहीं, पूरा चैप्टर मैं आपको तरीके से पूरा करूंगा। देखिए इसका एक बेसिक तरीका क्या है, ए अनुपात बी कितना है भाई 3:5। तो हम ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी रख देते हैं 3:5, और बी अनुपात सी कितना है 4:7, तो बी और सी के नीचे लिख देते हैं 4:7, ठीक है। अब जिसके बगल में जगह खाली है, देखो यहाँ सी का मान नहीं है, ए और बी का मान तो है यहाँ 3 इस लाइन में, लेकिन सी का मान नहीं है, तो जिसका मान नहीं है उसके बगल वाली वैल्यू उसके पास रख देंगे 5। अब नीचे वाली लाइन में आप देखें तो ए का मान नहीं है, लेकिन ए के बगल में कौन है 4, तो यहां भी क्या लिख देंगे 4। समझ में आ रही है बात, तो ए होगा 4 × 3 = 12, बी होगा 5, इनको गुणा कर देंगे 5 × 20, और सी होगा 7 × 35। अब यदि ये संख्याएं आपस में कट रही हो तो इनको काट लेंगे, और नहीं कट रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल का हमारा आंसर है 12:20:35। समझ में आ रहा है सभी को, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। यहां ध्यान रखेंगे कि ये तो बी पे खत्म हो रहा है, तो ये बी पे ही शुरू होना चाहिए। ए अनुपात बी कितना है 3:5, और बी अनुपात सी कितना है 4:7, ठीक है। तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें, ऐसे कितने भी मान लिखे हो, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, जो पहला और अंतिम है, पहला ए है और अंतिम सी है, पहला और अंतिम है वो कैसे मिलेगा, इनको सीधे गुणा कर देंगे 4 × 3 = 12, और अंतिम 7 × 35। तो हमारे पास ए अनुपात सी तो आ गया, अब हमें बी चाहिए, तो बी देखो यहां भी है और बी यहां भी है, दोनों जगह है बी, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 12:20:35। देखिए इनको सीधे गुणा करेंगे तो पहले की वैल्यू आएगी, इनको सीधे गुणा करेंगे तो लास्ट वाले की वैल्यू आएगी, तो 4 × 3 = 12 और 7 × 35, और बी का मान निकालेंगे इसको, इससे बी को बी से गुणा कर देंगे तो ये बी का मान आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 12:20:35। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो आप यहां ध्यान से सवाल को देखो, तो ए अनुपात बी में और बी अनुपात सी में, बी दोनों में आ रहा है, बी ए अनुपात बी में भी है
और बी बी अनुपात सी में भी है, समझ में आ रही है बात। अब यहां बी की वैल्यू कितनी है 5 और यहां बी की वैल्यू कितनी है 4, यहां दोनों जगह बी की अलग अलग वैल्यू है, जबकि यदि बी है तो दोनों जगह बी का मान समान होना चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर बी की वैल्यू समान कर दें, मतलब 5 और 4 को बराबर करना है, तो 5 और 4 का लघुत्तम कितना होता है 20, तो 4 से गुणा करेंगे 520 और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 20। अब यहां बी की वैल्यू कितनी हो गई 20 और यहां बी की वैल्यू कितनी हो गई 20, दोनों जगह बी की वैल्यू बराबर है। यदि आपने इसको 4 से गुणा किया है तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि आपने इसको 5 से गुणा किया है तो इसके अनुपात को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहां ध्यान से देखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या मिला भाई, ए का मान कितना आ गया 3 × 12, बी का मान कितना आ गया 520 है, यहां देख लो चाहे यहां देख लो, और सी का मान 7 × 35। तो ये भी हमारा आंसर है, ए अनुपात बी अनुपात सी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जिसमें जो मान कॉमन है जैसे बी यहां भी है बी यहां भी है तो दोनों जगह बी की वैल्यू बराबर कर देंगे तो भी हमें ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, सारे ही तरीके अपनी जगह बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है ऑप्शन बेस। क्या तरीका है देखना, सेकेंडों में हम सवाल को हल कर सकते हैं, यहां तक कि हमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी को ये लगे कि मैंने मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बना लिए हैं तो ऐसी बात नहीं है, ये बुक में दिया हुआ सवाल है, पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो देखिए ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें, देखिए हमारा सवाल ये था ए अनुपात बी बराबर कितना था 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:7, क्लियर है सभी को। अब ध्यान रखो, अब यहां एक चीज देखो, ए अनुपात बी कितना है 3:5, तो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है कि यदि ए 3 रहेगा तो बी कितना होगा 5 रहेगा, मतलब यदि आप इसको 2 से गुणा करके 6 करोगे, इसको 2 से गुणा करके 10 करोगे, तो क्या इनका अनुपात 3:5 बदलेगा, नहीं, इसको हम 2 से काट करके 3:2 से काटेंगे तो वापस 3:5 ही आएगा, मतलब आप इसको चाहे जिससे गुणा कर लो, ए और बी का अनुपात चाहे यहां देख लो, आप ए और बी को देखो, केवल ए और बी को 4 से कटेगा 4 × 3 = 12 और 4 × 20 वापस वही 3:5 है, मतलब ए अनुपात बी हमेशा 3:5 के अनुपात में ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो इसी चीज को हम सवाल पे अप्लाई करते हैं, ए अनुपात बी 3:5 होना चाहिए, तो ये ए है ये बी है और ये सी है, ए अनुपात बी 3:5 होने के लिए बी में 5 होना तो चाहिए भाई, 5 को यदि किसी से गुणा करेंगे तो 9 तो कभी नहीं आ सकता, और 9 को चाहे जिससे काट ले 5 कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देखिए, ए अनुपात बी 3:5 दिख रहा है भाई आपको, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। यहां देखें 4 से काटेंगे 4 × 12 और 4 × 20, ये भी 3:5 आ रहा है और ये भी 3:5 आ रहा है, मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, समझ में आ रही है बात। फिर देखिए बी और सी में क्या एग्रीमेंट हुआ कि बी यदि 4 रहेगा तो सी 7 रहेगा, तो क्या बी 4 है, यहां बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 या 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज नहीं है तो दो नंबर आंसर गलत हो गया। अब इसको देखें तो ये कट रहा है भाई, 20 और 21 से कटता है क्या, किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 20:21 के अनुपात में ही है, ये 4:7 के अनुपात में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया
12:20:35। बहुत आसान है भाई। ऑप्शन में पहले ए और बी का अनुपात 3:5 देखो, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया। फिर बी और सी 4:7 मिलना चाहिए था, इसमें 4:7 नहीं 5:7 था, ये दोनों कट नहीं रहे थे। 20:21 4:7 नहीं है, इसको काटेंगे आप तो 5 से कटेगा, 5 और 20 और 5:7 35 देखो 4:7 बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4। मैंने जानबूझ के पहले ऐसा सवाल दिया है जो अंत तक जा रहा है। आप जब किताब से सवाल हल करेंगे तो आप जब ए अनुपात बी चेक करेंगे इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको बी अनुपात से निकालने की आवश्यकता ही बहुत कम सवालों में पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये इसका बेस्ट मेथड है, बिना पेन उठाए आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। नोट करिए फटाफट। एक बात और, इससे ये पता नहीं होता, इससे हम ये नहीं कह सकते कि केवल यही तरीका ध्यान देना है, नहीं भाई, तरीका हमें बेसिक हमेशा आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो ये बहुत खतरनाक बात है। क्यों? जरूरी है क्या वो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे? वो पूछ सकता है 2A 3B और 4C का मान ज्ञात करो। वो पूछ सकता है आपसे 2A+3B = 3A+4B का मान ज्ञात करिए। उस समय आपका ऑप्शन आपके कोई काम नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपको तरीका तो आना ही आना चाहिए। अगला सवाल आप किस तरीके से, ये बढ़िया तरीका है, किसी एक तरीके से जरूर करें, हालांकि ऑप्शन से भी जरूर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन 1 है 3:4:5, ऑप्शन 2 है 1:2:3, ऑप्शन नंबर 3 है 7:12:17, करिए फटाफट। चलिए काम करते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 8:9 है, ठीक है। तो जिसके बगल में जगह खाली है, 4 के बगल में खाली है 4 लिख देंगे, 8 के बगल में खाली है 8 लिख देंगे, ठीक है भाई। यहाँ एक चीज और ध्यान दें, यदि जो संख्या इन तीनों में है, तीनों लाइनों में, ए में बी में और सी में, तीनों लाइनों में है, ऐसे ऐसे मतलब नहीं है भाई, ऐसे ए में बी में और सी में तीनों लाइनों में उसे काट सकते हैं। जैसे 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, और 8 से 4 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2। तो ये बनेगा 3:6:8, गुणा करेंगे 8 * 8 = 9, तो आंसर हो गया 6:8:9। समझ में आ रही है बात? बहुत आसान था। अब इसमें देखिए भाई, आप ए अनुपात बी कितना है, 3:4, ए अनुपात बी 3:4, हम चेक करेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए देखिए, ए 3:4 होना चाहिए, 3:4 है यहाँ, बिल्कुल है, ये उत्तर हो सकता है। ये 3:4 है, नहीं है तो 1:2 है, ये 3:4 है,
काट लो कट रहे हैं क्या, 7 और 12 नहीं कट रहे भाई, इसका मतलब इनका अनुपात 7 और 12 ये 3 और 4 नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट रहा है 4 बार, इन दो को ही काटना है केवल, क्योंकि हम ए और बी चेक कर रहे हैं अभी, तो ये भी 3 अनुपात 4 है, तो ये भी उत्तर हो सकता है। फिर आप देखिए बी सी कितना है, बी अनुपात से कितना है 8 अनुपात 9। अब क्या यहाँ 8 अनुपात 9 है, नहीं जी, ये तो 4 अनुपात 5 है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये 8 अनुपात 9 है, बिल्कुल है, तो आंसर कितना हो गया। अच्छा हम सेकेंडो में आंसर कर सकते हैं बिना पेन उठाए, समझ में आ रही है बात। जो ये ऑप्शन बेस्ड तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ कितने भी हो आगे, ये सब पर लागू होता है। और हम देखते हैं बच्चा जनरली ए अनुपात बी अनुपात सी तो जल्दी से निकाल देता है, लेकिन अनुपात डी आ जाए अनुपात ई आ जाए तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, इसमें स्ट्रगल करने की जरूरत उसे नहीं होगी। 10 में क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं, अब इसको करने की कोशिश करें। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई तक है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 बी अनुपात सी बराबर 3:4 सी अनुपात डी बराबर 6:9 तथा डी अनुपात ई बराबर 12:16 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करें। आपको ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि विदाउट ऑप्शन ये थोड़ा बड़ा होगा सवाल। ऑप्शन नंबर 1 है 1:3:6:12:16 बहुत आसान है वही ध्यान से देखिए। आपको लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी आंसर बता रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ए अनुपात बी 1:2 है तो अभी इन सबको तो भूल जाओ आप, केवल आप ए अनुपात बी को ही देखो, क्या ए अनुपात बी 1:2 है, नहीं जी ये तो 1:3 है। यहाँ देखें 2 से ये एक, ये दोनों कट रहे हैं भाई, ये 1 2 से 1 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, तो 1:2 बनेगा, यहाँ बनेगा तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। ये कट रहे हैं भाई, नहीं कट रहे, इसका मतलब 3:4 के अनुपात में 1:2 नहीं है, इसका मतलब ये भी, और ये कट रहे हैं दोनों 3 से कट रहे, 3 × 3 = 3, 3 × 6 तो 1:2 बन रहे हैं यहाँ, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। अब देखिए अब चेक करते हैं बी अनुपात सी को देखिए, केवल 3:4, देखो इन दोनों ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही कट गए पहले ही। अब इनको देखते हैं क्या ये 3:4 है, 3:4 होने के लिए बी का मान कितना है 3, तो 3 होने के लिए यहाँ 3 भी तो होना चाहिए, और वैसे भी चलो आप इनको काटे हैं 3 तो ये 2:3 बनेगा न कि 3:4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3:6:8:12:16, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है बात।
कुछ बच्चे इसको हल करेंगे, बोले कि सी अनुपात डी तो 6:9 है साहब, और सी अनुपात डी यहाँ तो 6:9 नहीं आ रहा। तो बिल्कुल भाई साहब, यदि आप इसको 2 से काटे तो ये 3 से काटे तो ये 2 बनता है, ये 3 बनता है, और इसको 4 से काटेंगे तो ये 2:3 ही बनेगा। तो सी अनुपात डी 2:3 है ना कि 6:9, और 2:3 ही आ रहा है। यहाँ यदि ऐसी संख्याएं जैसे जो आपस में कट रही है तो उनको भी काटना पड़ता है। बात होती है इसको हम तरीके से कैसे करें। देखिए हम निकलेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। अब ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी लिख देंगे, बी अनुपात सी के नीचे बी अनुपात सी लिख देंगे, सी अनुपात डी के नीचे सी अनुपात डी लिख देंगे, सी डी के नीचे सी डी, और डी ई ये 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 4 16, तो ये कट रहा है 3:4 बन रहा है। ये बन रहा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी के नीचे लिख देंगे, बी अनुपात सी को बी अनुपात सी के नीचे, सी अनुपात डी को सी अनुपात डी के नीचे, और डी अनुपात ई को डी अनुपात ई के नीचे। तो हमने पढ़ा था जिसके बगल में जगह खाली है, मतलब यहाँ सी की वैल्यू भी नहीं है इस लाइन में, डी की भी नहीं है, ई की भी नहीं है, तो जिसके बगल में जगह खाली है उसी की वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। अब यहाँ ए की वैल्यू नहीं है तो बगल में 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ डी की वैल्यू नहीं है इस लाइन में तो 4 है बगल में तो 4 लिख देंगे। अब इस लाइन में ए और बी का मान, इस लाइन में ए और बी का मान नहीं है तो जो बगल में मान है उसी को रिपीट कर देते हैं भाई। और यहाँ न ए का मान न बी का मान न सी का मान, तो बगल में इसके बगल में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब मैंने आपको पिछले सवाल में कहा था जो संख्या सारी लाइनों में है आप उसे काट सकते हैं। तो देखिए 2 यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी है, हर लाइन में 2 था इसलिए हमने 2 को काट दिया। अब देखिए तो हर लाइन में 3 भी है, यहां इस लाइन में 3 है, इस लाइन में भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब आप देखेंगे तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो सब में है, क्यों? यहां 3 इन दोनों में है तो फिर आगे इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं है, काट नहीं सकते, तो आप गुणा कर देंगे। 3 1 3 2 4 2 4 3 4 4 16, तो 3:6:8:12:16। आप जान पा रहे होंगे भाई इस सवाल को जब हमने ऐसे किया कितना समय लगा, और वैसे हमने किया तो सवाल चुटकियों में सेकंडों में हल हो गया। देखो एग्जाम फाइल करना ही नहीं, एग्जाम में माइंड में रखता है स्पीड कि आप सवालों को कितनी जल्दी कर सकते हैं। आपको सवाल आता है ये तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कितनी जल्दी आप कर पाते हैं ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोट करिए फटाफट, अगला सवाल मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल क्वेश्चन बेस तरीके से हो जाएंगे। आप ये ना सोचे कि बहुत आसान आसान सवाल ही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी इससे हल होंगे। ए अनुपात बी 2:1, ए अनुपात सी बराबर 1:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात है। अब देखो भाई जनरल जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, लेकिन इसने यहां क्या कर दिया भाई, इसने यहां दे दिया ए अनुपात सी, बी की जगह इसने ए दे दिया। तो आप मुझे बताओ ए अनुपात बी में भी ए है और ए अनुपात सी में भी ए है, तो ए दोनों में है या नहीं भाई? ए दोनों में है। अभी हमने पढ़ा था जो वैल्यू दोनों में है उसको हम बराबर कर दें। यहां ए का मान कितना है भाई? 2,
यहाँ ए का मान कितना है? एक। यहाँ ए की वैल्यू है दो और यहाँ ए की वैल्यू है एक। तो यदि मैं इस एक को दो से गुणा कर दूं, तो इसको दो से गुणा करेंगे तो इसके साथ वाले अनुपात को भी दो से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो अब देखो ए का मान यहाँ कितना है? दो। और यहाँ कितना हो गया? दो एकम दो, दोनों जगह ही दो आ गया भाई। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी आराम से कह सकते हैं। क्या कहेंगे भाई? ए का मान दो, चाहे आप यहां देख लो चाहे आप यहां देख लो, बी का मान एक और सी का मान तीन दूनी छह। तो हमारा आंसर हो गया दो अनुपात एक अनुपात छह। हमारा आंसर हो गया दो अनुपात एक अनुपात छह। अब बात करें इसी सवाल में ऑप्शंस की, तो ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है और उसमें ऑप्शन थे एक अनुपात तीन अनुपात दो, एक अनुपात दो अनुपात छह। आपके पास प्रीवियस ईयर की जो भी बुक है आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मैंने ऑप्शन सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, या मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिख दिए। आप चाहें तो ये चीज चेक कर सकते हैं, मैंने मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लिखा है भाई। जो ऑप्शन एग्जाम में थे वही ऑप्शन आपके सामने। बोलो ए अनुपात बी कितना? भाई हमने क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी तो निकालना है। ए अनुपात बी कितना है? दो अनुपात एक। तो केवल ए अनुपात बी चेक करो, क्या ये दो अनुपात एक है? क्या ये दो अनुपात एक नहीं है? तो उल्टा है एक अनुपात दो। क्या ये दो अनुपात एक है? क्या ये दो अनुपात एक है? ये लो आंसर आ गया। अब एक तो हमने सवाल को हल किया, एक हमने जब ऑप्शन से देखा तो उत्तर हमारे सामने रखा हुआ था दो अनुपात एक, और किसी ऑप्शन में दो अनुपात एक है ही नहीं। ए अनुपात भी दो अनुपात एक और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ऊपर हम यदि ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल हमारे सामने रखा है, हमें पुकार रहा है कि भाई मैं आंसर हूं, मुझे पहचानो। समझ में आ रही है बात? नोट करें। क्वेश्चन नंबर पांच लिखे, आपको बहुत मजा आएगा जब आप पूरी चीज पढ़ेंगे, और उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब आप किसी बुक को उठाकर इन प्रश्नों को हल करेंगे और आपको प्रश्न आते रहेंगे, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी और मेरा पढ़ाना भी तभी सार्थक होगा। आप जानते हैं कि इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, कोचिंग सेंटर सभी बंद हैं, पता नहीं आगे कब कब तक खुलेंगे ये भी पता नहीं, क्योंकि जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है वहां छूट कुछ समय बाद ही मिलेगी। 3 मई को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसके तुरंत बाद कोचिंग सेंटर्स को परमिशन मिल जाएगी खुलने के लिए, मुझे तो मुश्किल लगता है भाई। तो हमें ज्ञात करना है भाई डी सी डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। तो बच्चे की आदत होती है, बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पढ़ लेता है, इसको ही इसी को एग्जाम में बच्चा क्या पढ़ेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात जल्दीबाजी में, क्योंकि उसको सवाल पहले किया हुआ है घर पे, और जब वो इसको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पढ़ के हल करेगा उसको वही ऑप्शन भी मिल जाएगा, और बच्चा सोचेगा सवाल पेपर तो सरल आया था। इसलिए सवाल पर पहली नजर होनी चाहिए कि हमें क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसने सवाल में परिवर्तन किया है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज को क्या पढ़ेंगे। हमें बहुत बड़ा सवाल हल कर लेते हैं और जनरली हम सवाल को हल करते हैं तो त्रिज्या और व्यास में से हमें त्रिज्या ही मिलती है, और हम ऑप्शन की नजर देखते हैं वो ऑप्शन हमें मिल जाता है, और फिर पता चलता है अगर कि उसने त्रिज्या नहीं पूछी थी, उसने तो व्यास पूछा था, उसको दो गुना और करना था जो आप भूल गए जल्दीबाजी में। तो दिमाग को शांत रखिए,
तसल्ली से सवाल करें, दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। देखिए भाई, फटाफट करिए आप। देखो बहुत आसान है, यहां क्या लिखा हुआ है, ये ए बी था, ये बी ए है। चाहो तो आप इसको इधर से हल कर लो, पहले डी सी का मान निकाल लो। अगर सी अनुपात डी पांच अनुपात छह है तो डी अनुपात सी क्या हो जाएगा भाई, इसको उल्टा करेंगे तो अनुपात भी उल्टा हो जाएगा, छह अनुपात पांच हो जाएगा। तो डी सी चेक करते हैं पहले, इसमें छह अनुपात पांच है बिल्कुल है तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, ये छह अनुपात पांच है नहीं, इसको काटेंगे तो दो अनुपात एक आएगा गलत है, इसको काटेंगे तो भी तीन अनुपात दो आएगा, जबकि होना कितना चाहिए छह अनुपात पांच, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। और इसको काटे आठ सी काट चालीस और आठ पंजो चालीस, तो ये भी छह अनुपात पांच है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। अब ये क्या लिखा हुआ है, सी बी, तो बी सी यदि तीन अनुपात चार है तो सी बी क्या होने वाला है भाई, चार अनुपात तीन। यदि बी सी तीन अनुपात चार है तो सी अनुपात भी चार अनुपात तीन उल्टा हो जाएगा भाई, तो अब हमें इनको चेक करना है, चार अनुपात तीन है क्या, क्या ये चार अनुपात तीन है भाई, सी बी चार अनुपात तीन, ये चार अनुपात तीन में है क्या, नहीं तो केवल यही बचा, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब सारे ऑप्शन कट गए तो यही उत्तर होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये भी उत्तर नहीं हो। आप काटेंगे जीरो से जीरो तो ये चार अनुपात तीन ही आएगा, फिर आप देखेंगे ए बी एक अनुपात दो तो उल्टा दो अनुपात एक होगा, और इन दोनों को काटेंगे तो पंद्रह दूनी तीस तो ये दो अनुपात एक ही आएगा। अगर तीन ऑप्शन कट जाते हैं तो चौथे पे हम टिक लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये देखें उसको भी चेक करके देखें, नहीं तीन कट गए तो ये आंसर ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों में उत्तर नहीं मिलेगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, शायद मजा भी आ रहा होगा। एक बहुत जरूरी बात भाई, जब भी आप YouTube पर पढ़ें, मैं आपको सवाल हल कराऊं तो मैं आपको चैप्टर पूरा कराऊंगा तरीके से, और वो तरीके से चैप्टर आप नोट करेंगे तभी मेरी मेहनत सार्थक हो पाएगी, नहीं तो दो चार बढ़िया बढ़िया प्रश्न करा करके मैं छोड़ देता बस, ऐसा नहीं है। मैं पूरा तरीके से चैप्टर करवा रहा हूँ आपको, तो आपको भी नोटबुक लेके एक एक सवाल को नोट करना चाहिए, जिन सवालों में दिक्कत आए उन्हें रिपीट करना चाहिए, उनको दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस लॉकडाउन में आप बिल्कुल कुछ नया सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसे आगे काम में भी ले पाएंगे। इजी क्लासेस नीम का थाना हमेशा बच्चों के भविष्य को लेकर समर्पित रहता है। इस लॉकडाउन में हम आपके साथ हैं, हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि पहले ये उम्मीद नहीं थी कि ये समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी, लग रहा था कि 15-20 दिन में खुल जाएगा लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए हमने YouTube पर क्लासेस शुरू करने का विचार किया। रोज मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा भाई, ऑप्शन देखिए, तीन अनुपात दो अनुपात एक, एक अनुपात दो अनुपात छह, एक अनुपात तीन अनुपात छह, दो अनुपात चार अनुपात छह। देखिए पहले हम देखते हैं कि इस तरीके इस सवाल को तरीके से कैसे हल करें, उसके बाद हम इसको ऑप्शन से आसानी से करेंगे। देखिए भाई, एक्स बराबर एक बटा तीन वाई दिया है और y बराबर एक बटा दो z दिया है, ठीक है। अब यदि हम इस y को इधर लेकर आए तो इधर y गुणा में है भाई, और गुणा में से इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, बट्टा में, तो ये हो जाएगा x बटा वाई बराबर एक बटा तीन। ये y यहां गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो x बटा वाई हो जाएगा एक बटा में तीन। इस z को बटा में लाएंगे, इधर लाइन तो बटा में आ जाएगा, तो y बटा z बराबर क्या हो जाएगा एक बटा में दो।
बहुत आसान सी बात थी, मैंने ये बात दोबारा लिखी है आपको समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये इधर आ जाएगा एक्स बटा वाई बराबर एक बटा के, एग्जाम में आपको कम से कम लिखने का प्रयास करना। देखिए भाई अब आप देखिए एक्स बटा वाई में है और वाई बटा जेड में, वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, वाई दोनों जगह है भाई, क्या वाई की वैल्यू दोनों जगह समान है? नहीं साहब बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो वाई का मान 3 है और यहाँ वाई का मान 1 है, जबकि वाई का मान तो दोनों जगह समान होना चाहिए। तो क्या करें, कैसे समान करें? अगर मैं इस 1 को 3 से गुणा कर दूं तो वाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यदि ऊपर हमने 3 से गुणा किया तो नीचे भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स बटा वाई क्या हो जाएगा भाई 3 बटा में 6। इसको वापस मत काट देना कहीं, वापस काट दो 1 बटा 2, नहीं हमने y बराबर करना था, y बराबर 3 है, यहाँ भी y बराबर 3 है, हमें बराबर करना था, हमने बराबर कर लिया। तो यहां से x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, x का मान 1, y का मान 3 और z का मान 6। तो हमारा आंसर हो गया 1:3:6, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हो गया 1:3:6। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब हम बात करें ऑप्शन की, तो आप देखेंगे वाई यहाँ बटा में आ जाएगा भाई, तो एक्स का मान 1 होगा और वाई का मान 3, एक्स वाई बटा में आएगा, लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ देखना है, वाई इधर आएंगे बटा में आ जाएगा, तो एक्स का मान 1 और वाई का मान 3 हो जाएगा, तो एक्स का मान 1 वाई का मान 3, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या हो गया 1:3। तो क्या यहाँ 1:3 है? नहीं है। क्या यहाँ 1:3 है? नहीं है। क्या यहाँ 1:3 है? तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। क्या यहाँ 1:3 है? 1:2 आएगा, तो केवल यही ऑप्शन बच रहा है, केवल तो यही बच रहा है, तो यही आंसर है। तो आप देख रहे हैं तो ये हल था, और एक हमने सवाल को देखा, देखते हमें उत्तर दिख गया कि इसका आंसर 1:3:6 होगा। समझ में आ रही है? बहुत आसान है, ऑप्शन से करेंगे बहुत मजा आएगा। आप देखते हैं कि एग्जाम में जनरली में से सवाल पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। फटाफट करें भाई, आप तरीके से तो करें, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जैसा मुझे उम्मीद है आप लोग ऑप्शन की बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है 4:1:5, दूसरा ऑप्शन है 4:5:2, तीसरा ऑप्शन है 4:5:1। मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, जिन जिनको भी संशय है कि मैंने ऑप्शन बदले होंगे, तो आप जरूर किसी बुक से इन प्रश्नों को देखें, प्रीवियस ईयर एसएससी में ये प्रश्न है, वहां को जरूर इनके ये प्रश्न आपको लिखे मिल जाएगा। फटाफट करिए भाई, ठीक है।
देखिए पहले हम तरीके से करते हैं, ए बराबर बी का मतलब सब जानते हैं भाई गुणा होता है, तो नहीं जानते ध्यान रखना का मतलब होता है गुणा, और बी बराबर दिया है सी का मतलब गुणा पांच बटा में दो, ठीक है भाई। तो ये बी बटा में आ जाएगा, ए बटा बी कितना हो जाएगा चार बटा में पांच, और बी बटा सी क्या हो जाएगा सी बटा में आ जाएगा भाई इधर, और यहां क्या बचेगा पांच बटा में दो। अब आप देख रहे हैं ए बटा बी और बी बटा सी में बी दोनों जगह है, और खुशकिस्मती से बी का मान दोनों जगह समान भी है, बी यहां भी पांच ही है और बी यहां भी पांच ही है, तो कोई समस्या ही नहीं है, जो वैल्यू है इसी कैसे रख देंगे बस। ए अनुपात बी, ए का मान चार बी का मान पांच, चाहे यहां से लिख लो वही बात है पांच ही आएगा, सी का मान दो, तो उत्तर होगा चार अनुपात पांच अनुपात दो। अब ऑप्शन से करते हैं, बी बटा में आ जाएगा तो ए बटा बी क्या होगा चार बटे पांच, तो ए का मान चार बी का मान पांच, तो ए अनुपात बी यहां से कितना आएगा चार अनुपात पांच आएगा, ये चार अनुपात पांच है नहीं ये चार अनुपात पांच है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, ये चार अनुपात पांच है ये भी हमारा उत्तर हो सकता है, क्या ये चार अनुपात पांच है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब यहां से सी बटा में आएगा तो दो दो उत्तर आ रहे हैं एक साथ, तो हमें बी और सी पर जाना पड़ेगा ना, तो सी बटा में आएगा तो बी बटा सी पांच बटा दो जाएगा, तो बी का मान पांच और सी का मान दो, तो बी का मान पांच सी का मान दो, तो बी अनुपात सी पांच अनुपात दो गया भाई, तो पांच अनुपात दो बी अनुपात सी, देखो ये ए बी सी निकाल रहे हम, तो बी अनुपात सी पांच अनुपात दो है, यहाँ ये पांच अनुपात दो है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया दो नंबर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर आठ है, यदि ए बराबर बी का दो बटा तीन तथा बी बराबर सी का चार बटे पांच हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद करें, और ये है आपके ऑप्शन, तरीके से बताने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली बता दूं ऑप्शन से ही बता देता हूं सीधा इसको, क्योंकि तरीका तो दो सवाल हमने कर लिया तो आप सीख गए होंगे। देखिए बी बटा में आ जाएगा तो यहां बचेगा ए बटा बी बराबर दो बटा तीन, तो ए का मान कितना होगा दो और बी का मान तीन, तो ए अनुपात बी दो अनुपात तीन होना चाहिए, ए अनुपात बी कितना होना चाहिए भाई दो अनुपात तीन होना चाहिए। अब यहाँ ये चीज पर और ध्यान दो, चेक करने के लिए काम आएगी हमें अनुपात, कि ए अनुपात बी में ए बड़ा है या छोटा है, ए छोटा है और बी बड़ा है, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिले जिसमें ए बड़ा हो तो उसको काट कर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो दो अनुपात तीन कभी नहीं होगा, जैसे यहाँ ए बड़ा है तो ये दो अनुपात तीन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि काटेंगे तो तीन अनुपात दो उल्टा बनेगा, यहाँ भी आप देखें तो ए बड़ा है इसका मतलब ये भी गलत है, देखो ए अनुपात बी में ए छोटा है बी बड़ा है, तो ऑप्शन में भी ए छोटा और बी बड़ा ही होना चाहिए,
यहाँ तो ए बटा है बी छोटा है उल्टा हो रहा है भाई। यहाँ देखो ए छोटा बी बटा तो ये हो सकता है, ये ए छोटा ये बी बटा तो ये हो सकता है। तो इसको काटेंगे दो, 5 से कटेगा 2 बार और 3 बार, ए अनुपात बी 2:3 आ रहा है भाई, ए अनुपात भी 2:3 आ रहा है। इसको 4 से काटेंगे, 4 × 8 4×12 ये भी 2:3 आ रहा है, ये भी 2:3 आ रहा है और ये भी 2:3 आ रहा है। ठीक है, अब दो ऑप्शन उत्तर हो गए हमारे, तो हम इसको चेक करेंगे। बताइए यहां से बी अनुपात सी क्या होगा, सी बटा में आ जाएगा 4/5, तो बी का मान 4 और सी का मान 5। अब बी का मान 4 और सी का मान 5, तो सी बड़ा होना चाहिए। क्या सी बड़ा है यहाँ? यहाँ सी बड़ा नहीं है तो चेक ही मत करो, गलत है ये। बी और सी में सी बड़ा है, बी और सी में सी बड़ा है, यहाँ बी और सी में बी बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर हो गया 8:12:15। उम्मीद आप सबको समझ में आ रहा होगा भाई, और आप लोग ईजी क्लासेस नियम का था ना, ये हमारे चैनल का नाम है, जिसे सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डालें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वीडियो डाल दिया गया है और आप उसे देख पाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक मैं नहीं कहूंगा, लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करें, नहीं लगे तो नहीं करें। महत्वपूर्ण लाइक नहीं है भाई, महत्वपूर्ण आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए केवल इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:9:1/3, बी अनुपात सी बराबर 2:7:5/14 तथा डी अनुपात सी, भाई जिनको आता है वो फटाफट वीडियो पॉज करके सवाल करने की कोशिश करें। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं 4:6:7:9, 16:24:30:35 8:12:15:7 30:35:24:16 करिए भाई फटाफट। आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें, मैं सवाल हल करूंगा। पहले तो हम तरीका देखते हैं भाई, ए अनुपात भी हमें दिया 2:9:1/3। जैसा कि आप सब जानते हैं अनुपातों में हम अगल बगल की संख्याओं को काट सकते हैं, जैसे यदि हमें दे ए अनुपात बी बराबर 6:9 तो हम 3 से काटते हैं, 3 × 6 और 3 × 9 काटते हैं भाई इसको, तो अगल बगल में यदि इसे ये कटा हो तो काट सकते हैं। ठीक है, तो देख लो किससे कटा है, 3 से कटा है। तो ए अनुपात बी हमें यहां से मिलेगा
ये ऊपर चला जाएगा भाई, वज्र गुणा हो जाते हैं भाई, है ना, इससे गुणा हो जाएगा ये इससे, तो यहाँ तो एक ही है, एक दो से गुणा होगा तो दो ही होगा, और ये तीन इससे ऊपर एक से गुणा होगा तो ये भी तीन ही रहेगा। दोबारा देखिए मैं अच्छे से बताता हूँ, बाद में मिटा के छोटा लिख दूंगा भाई, एक बार आपको समझाता हूँ। ये तीन एकम तीन, तीन तीन नौ कट गया भाई, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें ये अनुपात भी मिल जाएगा। तो यहाँ एक ही तो बच रहा है भाई, तो एक को दो से गुणा करेंगे तो दो एकम दो, और इसको तीन एकम तीन, तो ये दो अनुपात तीन हो जाएगा। तो ए अनुपात बी दो बटा नौ अनुपात एक बटा तीन काटेंगे तो हमें मिलेगा दो अनुपात तीन, ठीक है। फिर हम देखते हैं बी अनुपात सी, ये दिया है दो बटा में सात अनुपात पांच बटे चौदह, काटेंगे सात दुनी चौदह, दो से दो बार कटा है भैया, तो दो से इसको गुणा करेंगे तो दो दुनी चार, ये वज्र गुणा होगा, और यहाँ एक है पांच एकम पांच, तो बी अनुपात सी कितना आ जाएगा चार अनुपात पांच। फिर यहां से ये ध्यान देना, ये डी सी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे इसको सी अनुपात डी, क्योंकि हमें ए बी सी डी पूछा है, ए बी डी सी नहीं पूछा है, तो इसे पहले उल्टा करेंगे, तो ये आएगा तीन बटा पांच अनुपात सात बटा में दस। एग्जामिनर जानता है कि बच्चा जल्दीबाजी में क्या गलती करेगा, तो उसने सी अनुपात डी को डी अनुपात सी लिख दिया, ताकि आप लोग उसके झांसे में आ जाएं। तो सवाल पर हमेशा पहली नजर रखें भाई, पांच एकम पांच दुनी दस, वज्र गुणा करेंगे तो ये मिलेगा तीन दुनी छ, और ये सात एकम सात। अब यहां से हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, ए अनुपात बी कितना है दो अनुपात तीन, ए बी के नीचे लिख देंगे, बी अनुपात सी कितना आया चार अनुपात पांच, उसके नीचे लिख देंगे, और ये आया सी अनुपात डी छ अनुपात सात, उसके नीचे लिख देंगे। अब मैंने कहा था जिसके बगल में जगह खाली उसी को लिखना है भाई, तीन के बगल में खाली है तीन तीन, चार के बगल में खाली है चार, पांच के बगल में खाली है पांच, और छह के बगल में खाली है छ। अब आप देखें कोई ऐसी संख्या है तो सब में है, तो बिल्कुल है साहब, क्या है तीन, तीन यहां भी है तीन यहां भी है तीन यहां भी है, तीन दुनी छह तीन यहां भी है, और कोई संख्या है नहीं है भाई, तो चार दुनी आठ दुनी सोलह, छह चौक चार दुनी आठ दुनी सोलह गुणा करते हैं ना भाई इसको, छह चौक चौबीस, छह पंजो तीस, और सात पंजो ये हमारा आंसर आ गया सोलह अनुपात चौबीस अनुपात तीस अनुपात पैंतीस। तो ये तो इसका बेसिक तरीका, मैं रिपीट कर देता हूं इसको, ए अनुपात बी दो बटा नौ और एक बटा तीन है, तीन से ये नौ तीन बार कट गया, फिर वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ एक है एक दुनी दो और तीन एकम तीन, बी अनुपात सी दो बटा सात और पांच बटा चौदह है भाई, तो सात दुनी चौदह दो बार कट गया, वज्र गुणा करेंगे दो दुनी चार पांच एकम पांच। सी अनुपात डी, ये डी सी था, इसको सी अनुपात डी लिखेंगे क्योंकि हमें सी अनुपात डी पूछ रहा है, डी अनुपात सी नहीं पूछ रहा है, तो उल्टा कर देंगे तीन बटा पांच इधर आ जाएगा, सात बटा दस उधर चला जाएगा, पांच दुनी दस तो ये तीन दुनी छह और ये सात एकम सात निकाल दिया। अब यहां देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हमने ए अनुपात बी निकाला कितना आया भाई, ए अनुपात बी कितना आया हमारे पास दो अनुपात तीन, क्या ये दो अनुपात तीन है, काटते हैं दो से दो दुनी चार और दो तिया छह दो अनुपात तीन है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, आठ दुनी सोलह आठ ती चौबीस ये भी दो अनुपात तीन है, चार दुनी आठ चार ती बारह ये भी दो अनुपात तीन है, लेकिन ये दो अनुपात तीन है तो ये पांच से काटेंगे तो छह अनुपात सात आएगा, समझ में आ रही है बात, तो ये तीनों हमारे आंसर हो सकते हैं। फिर बी अनुपात सी कितना है चार अनुपात पांच, बी अनुपात सी कितना है भाई चार अनुपात पांच, उससे पहले हम सी अनुपात डी देख लेते हैं पहले, क्योंकि सी अनुपात डी साइड में है तो थोड़ा जल्दी दिख जाएगा हमें, तो सी अनुपात डी कितना होना चाहिए छह अनुपात सात होना चाहिए, क्या सी और डी छह अनुपात सात है, नहीं है, ये छह अनुपात सात है, पांच से कटेगा छह बार पांच से कटेगा सात बार, तो
ये है, ये 6:7 है, नहीं ये तो कट ही नहीं रहे, 15:7 ही है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। बात समझ में आ रही है सभी को? वापस कह रहा हूं भाई, बेसिक आपको आना जरूरी है, आप इसे स्किप ना करें। आप ये ना सोचे कि इसकी क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है भाई। यदि एग्जाम में इस प्रश्न में ए अनुपात डी पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप? ए अनुपात डी कैसे निकालेंगे बताइए? ऑप्शन से कैसे निकालेंगे अनुपात डी? तो जरूर ध्यान देना है बेसिक पर, बेसिक के बगैर कुछ नहीं है भाई। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है एग्जाम में। बस आप सब जानते हैं भाई कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख तो सभी को मिलता है। तो वैसे ही विद्यार्थी के जीवन में भी है, या तो आप लोग पढ़ते समय परेशान हो लें, दुखी हो लें, मेहनत कर लें तो एग्जाम में आपको मजा आएगा, और यदि आप पहले मजा करेंगे तो आपको एग्जाम में दुख होगा कि मैंने थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस बात पर जरूर ध्यान दें, हमें मेहनत करनी है और जितनी परेशानियां उठानी है वो एग्जाम से पहले उठानी है, ताकि एग्जाम हॉल में जब हम प्रश्नों को करें तो न सिर्फ उनको हल कर पाए अपितु तो उनको हल करते समय मजा भी आए। क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 / 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 / 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 / 3/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करिए। करिए फटाफट भाई, बेसिक से जरूर करिए। मुझे पता है आप ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से करने को आतुर हैं, लेकिन फिर भी आप इसे तरीके से जरूर करें।